मत जुर्अत ओ हिम्मत का है इजहार सीधी बात अजीमत जुर्अत ओ हिम्मत का है इजहार सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। ऑक्सीजन बहरान, कर्नाटक में ऑक्सीजन की कमी से फिर 4 लोगों की हो गई मौत। कर्नाटक में 12 मई के बाद नाफिस हो सकता है मुकम्मल लॉकडाउन। बेंगलुरु में कोविड-19 मुस्बत केसों की शराह 55% से भी ज़ायद। मुंबई मॉडल देखें, दिल्ली को मुकम्मल ऑक्सीजन कोटा फराहम करें, सुप्रीम कोर्ट के मरकज़ को हिदायत। अफसरों को जेल में डालने से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ को लगाई फटकार। जमहूरियत ख़त्म हो गई हो तो ऐलान करें, नहीं तो बीजेपी के रियासती सदर माफ़ी मांगे, नवाब मलिक का बयान। कोविड मैनेजमेंट की जिम्मेदारी फ़ौज को सौंप देनी चाहिए, पटना हाईकोर्ट का तल्ख तबसरा। हिंदुस्तान में पहली बार इंसानों में फैला कोरोना, 8 बशर मुतासर। मुश्किल दिनों में इमदाद की अपीलों पर सिर्फ हकीकी दोस्त ही तवज्जो देते हैं, बेस्तरातर कोच का बयान। मशरिक़ी अलकुस में इसराइली फौजियों का ज़ुल्म, फिलिस्तीनियों का शदीद एहतजाज। इसराइल नेतन्याहू हुकूमत तश्कील देने में नाकाम हो गए। अज़रबैजान का जज्बे खैर सगाली, 3 असीर आर्मेनी फौजी वापस कर दिए। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी आज दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इतला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाए देखे, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी ज़िला वाक़ अफजलपुर तालुक़े में वेंटिलेटर पर रहे 4 कोविड मरीजों की मंगल की सुबह मौत हो गई है। इसके पहले पीर को चामराजनगर में ऑक्सीजन की कमी के सबब 24 कोरोना वायरस मरीजों की मुबैना तौर पर मौत हो गई चुकी है। मेलुकिन की कुंबे के मुताबिक सभी 70 साल से ऊपर के थे। शाम को कोविड से मुतालिक पेचीदगियाँ बढ़ गई थी और मुबैना तौर पर ऑक्सीजन की कमी के सबब मौत वाक़ हो गई थी। नाज़रीन, कर्नाटक हुकूमत 12 मई 2021 के बाद 2 हफ्तों के लिए रियासत में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने पर गौर कर रही है, क्योंकि रियासत में 1 हफ्ते के कर्फ्यू के बावजूद कोविड-19 में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत से शोबों जैसे मैन्युफैक्चरिंग, तामीरात और गारमेंट्स की फैक्ट्रियाँ 50% ही काम कर रही हैं। गुज़त 27 अप्रैल से 2 हफ्तों के कर्फ्यू के बाद भी बगैर जाँच पड़ताल वाली गाड़ियों की नकल हरकत की वजह से वायरस के फैलाव में इजाफा हुआ है। नाज़रीन, मरकज़ ने बुध के रोज़ कोविड-19 बहरान के ज़िम्न में ऑक्सीजन की दस्तियाबी पर दिल्ली हाई कोर्ट की वार्निंग पर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल कर दिया। इस मसले पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से पूछा है कि वो मरकज़ दिल्ली से ऑक्सीजन मुतालबे को किस तरह पूरा करने का इरादा रखती है, और कहा कि इसे मुंबई की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि BMC ने कोविड-19 की सूरत हाल को संभालने के लिए अच्छा काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 बहरान से निपटने के लिए हुकाम को BMC मॉडल को देखने का मशवरा दिया, ताकि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। नाज़रीन, ऑक्सीजन बहरान के मसले पर मरकज़ की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई, जिसमें अदालत उज़्मा ने कई उमूर पर मरकज़ी हुकूमत को फटकार लगाई है। बुध की रोज़ हुई समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हुकुम पर अमल करना मरकज़ की जिम्मेदारी है, हुकुम पर अमल न करने वाले अफसरान पर कार्रवाई की जानी चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की फराहमी के हुकुम पर अमल मामले में कोताही के सबब दिल्ली हाईकोर्ट की हुकुम अदूली नोटिस के खिलाफ मरकज़ी हुकूमत की जानिब से अर्जी दाखिल की गई थी। इसी अर्जी पर आज समाअत हुई है। नाज़रीन, अगर अदालत भी चंद्रकांत पाटिल की मर्ज़ी के मुताबिक काम कर रही हो तो जमहूरियत के ख़त्म होने का ऐलान कीजिए, वगरना चंद्रकांत पाटिल अदालत से माफ़ी मांगे। ये मुतालबा आज यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कौमी तर्जुमान और अकलीती उमूर के वज़ीर नवाब मलिक ने किया है। वाज़ेह है कि BJP की रियासती सदर चंद्रकांत पाटिल ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के लीडर वज़ीर छक्कन भजबल को धमकी दी थी कि जमानत पर रिहा हुए हैं बरी नहीं हुए हैं, ज़्यादा बोलिए मत वरना महंगा पड़ेगा। नवाब मलिक ने चंद्रकांत पाटिल को मस्कुरा वाला जवाब दिया। नाज़रीन, बिहार में आलमी वबा कोरोना वायरस के बढ़ने के दरमियान पटना हाईकोर्ट ने आज एक बार फिर कोरोना वायरस से निपटने में नाकामी पर रियासती हुकूमत की सरजनिश की है, और ये तलख तबसरा भी किया कि बार बार अदालती अहकाम के बावजूद
सूरत हाल में बेहतरी ना होना शर्म की बात है और इस सूरत हाल में रियासत के अंदर कोविड मैनेजमेंट की जिम्मेदारी फ़ौज को सौंप देनी चाहिए। पटना हाईकोर्ट के जज चक्रधारी शरण सिंह और जस्टिस मोहित कुमार शाह की डिवीजन बेंच ने कोरोना वायरस से मुतालिक दायर मफादयामा की दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए कोरोना वायरस पर काबू पाने के नाकिस इंतजाम पर बरहमी का इजहार किया था। नाज़रीन, कोरोना वायरस की दूसरी लहर से इंसान तो परेशान है, अब जानवरों पर भी कोविड का ख़तरा बढ़ गया है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक हिंदुस्तान में पहली बार इंसानों से जानवरों में कोरोना फैलने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि हैदराबाद के चिड़ियाखाना में कुछ बब्बर शेर कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इस खबर से लोगों में दहशत फैल गई है। इस बात को लेकर भी अंदेशा जाहिर किया जाने लगा है कि अगर जानवरों से इंसानों में कोरोना फैलना शुरू हुआ तो मज़ीद मुश्किलें बढ़ जाएंगी। नाज़रीन, बोस्निया हर्जेगोविना की वज़ीर ख़ारिजा बेस्तरा तरकोच ने कहा है कि तुर्की बालकानी ममालिक में तामीर और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने वाला किरदार अदा कर रहा है। बोस्निया हर्जेगोविना दौरे पर मौजूद तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा मेलू चावुशोलो तरकोच के दरमियान दो तरफा और बेनुलुफुद मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था। नाज़रीन, मशरिक़ी अलकुस के कस्बे शेख जर्राह में फ़िलिस्तीनियों पर मजालिम की इंतहा हो गई है। इंतहा पसंद यहूदी शहरियों ने फ़िलिस्तीनियों के घरों पर कब्जा करके उन्हें बेदखल कर दिया, जबकि एक 22 साल फ़िलिस्तीनी खातून यहूदी शहरी को घर से निकलने का कहती रही, जिस पर यहूदी शहरी ने कहा कि अगर मैं तुम्हारा घर नहीं चुराऊँगा तो कोई और चुरा लेगा। वाज़ेह रहे कि इसराइली क़ुव्वतों ने फ़िलिस्तीनियों को घर छोड़कर इलाका खाली करने की धमकी दी है। सहयोगी क़ुव्वतों ने शेख जर्राह के इलाके में फ़िलिस्तीनियों का दाखिला बंद कर दिया है। चेक पोस्ट पर यहूदी शहरी फ़िलिस्तीनियों पर अंडे बरसाते हैं, जबकि इसराइली फौजी ने फ़िलिस्तीनी खातून से मारपीट की जिससे उसका सर भी फट गया है। नाज़रीन, इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू मुकर्रर वक्त तक एक नई इत्तेहादी हुकूमत तश्कील देने में नाकाम हो गए हैं। खबर के मुताबिक इसराइली सदर रिवलिन ने अब हुकूमत की तश्कील का काम इसराइली पार्लियामेंट के किसी दूसरे रुकन को सौंप सकते हैं। रिवलिन के एक बयान का कहना है कि गुश्तानिफ शख्स से कबल नेतन्याहू ने सदारती दफ्तर को मुतला किया कि हुकूमत बनाने के नाकाम हो गए, अब इसका फैसला सदर करेंगे। इसके नतीजे में नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी गुज़श्ता 12 सालों में पहली मरतबा मुखालिफ जमात बन सकती है। नाज़रीन, आज़रबाईजान ने आर्मेनिया की 3 फौजी कैदियों को रिहा कर दिया है। बालाए काराबाग की जंग के बाद इन आर्मेनी फौजियों को आज़री हुकाम ने असीर बना लिया था, जिन्हें जज़ा खैर सगाली के तहत आर्मेनिया वापस भेज दिया गया। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हसीं एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हम ने तो मुमताज पाया है। तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुरअतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात।